वेलकम बैक टू अ चैनल गाइस। आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट सेलिंग कार ब्रांड्स ऑफ मई 2021। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि किस कार कंपनी ने कितनी ज्यादा गाड़ियां बेची हैं मई के महीने में। इस बार ऐसा देखने को मिला है जो आज तक के इतिहास में कभी भी देखने को नहीं मिला। जैसे कि आपको पता ही है कि मई के महीने में लॉकडाउन लगा हुआ था तो सभी कंपनियों की सेल 50% से भी अधिक गिर गई है। लगभग सभी कंपनियों की सेल खत्म हो गई है इस महीने। खत्म, बाय बाय टाटा, गुड बाय गया। किस कंपनी की कितनी ज्यादा सेल हुई है आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं। जैसे ही 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होते हैं तो हम एक गिव अवे का अनाउंसमेंट करेंगे और लकी सब्सक्राइबर्स को गिफ्ट भी देंगे। आज की हमारी इस लिस्ट में 15th एंड लास्ट पोजीशन पर जगह बनाई है इंडियन मार्केट में हाल ही में लॉन्च हुई कंपनी सिट्रोइन ने। इसके मई 2021 के सेल फिगर की बात की जाए तो 40 गाड़ियां ही सेल हुई हैं ऑल ओवर इंडिया में। और यहीं इसके मार्केट शेयर की बात करें तो 0.0% का है। और यहीं इसकी सेल्स को पिछले महीने मार्च से कंपेयर करें तो 83% सेल कम हुई है सिट्रोइन की। हमारी इस लिस्ट में 14th पोजीशन पर जगह बनाई है फियट मोटर्स ने, जिसने ही कुछ दिन पहले ही अपनी जीप कंपास का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च किया था। इसके मई 2021 के सेल्स फिगर की बात की जाए तो 475,475 गाड़ियां सेल हुई हैं ऑल ओवर इंडिया में। और यहीं इसके मार्केट शेयर की बात करें तो 0.5% का है। और पिछले महीने से कंपेयर करें तो 44% सेल कम हुई है फियट मोटर्स की। हमारी लिस्ट में 13th पोजीशन पर जगह बनाई है टोयोटा मोटर्स ने। सबसे ज्यादा घाटा इस लॉकडाउन में टोयोटा मोटर्स को देखने को मिला है, क्योंकि इसकी सेल आज की हमारी लिस्ट में सबसे ज्यादा गिर गई है। इसके मई 2021 के सेल्स फिगर की बात की जाए तो 707,707 गाड़ियां ही सेल हुई हैं ऑल ओवर इंडिया में। और इसके मार्केट शेयर की बात करें तो 0.7% का है। पिछले महीने इसका मार्केट शेयर 1% से भी ज्यादा था। और इसका सेल्स फिगर पिछले महीने से कंपेयर करें तो 93% सेल कम हो गई है टोयोटा मोटर्स की। आरिस लिस्ट में 12th पोजीशन पर जगह बनाई है स्कोडा मोटर्स ने। इसके मई 2021 के सेल्स फिगर की बात की जाए तो 716,716 गाड़ियां ही सेल हुई हैं ऑल ओवर इंडिया में। और इसके मार्केट शेयर की बात करें तो 0.7% का है। और पिछले महीने से सेल्स कंपेयर करें तो 25% सेल कम हुई है स्कोडा की। इस लिस्ट में 11th पोजीशन पर जगह बनाई है फोर्ड मोटर्स ने। इसके अप्रैल 2021 के सेल्स फिगर की बात की जाए तो 766,766 गाड़ियां ही सेल हुई हैं ऑल ओवर इंडिया में। और इसके मार्केट शेयर की बात करें तो 0.7% का है। और सेल्स फिगर को पिछले महीने से कंपेयर करें तो 86% सेल कम हुई है इसकी। हमारी इस लिस्ट में 10th पोजीशन पर जगह बनाई है चाइनीज कंपनी मॉरिस गैराजेस ने, यानी कि एमजी मोटर्स ने। इसके मई 2021 के सेल्स फिगर की बात की जाए तो 1,016 गाड़ियां सेल हुई हैं ऑल ओवर इंडिया में। और इसके मार्केट शेयर की बात करें तो 1.0% का है। और इसकी सेल्स को पिछले महीने से कंपेयर करें तो 60% सेल कम हो गई है एमजी मोटर्स की। हमारी इस लिस्ट में 9th पोजीशन पर जगह बनाई है निसान मोटर्स ने। इसने अपनी मैग्नाइट को कुछ दिन पहले ही मार्केट में लॉन्च किया है। इसके मई 2021 के सेल्स फिगर की बात की जाए तो 1,235 गाड़ियां सेल हुई हैं ऑल ओवर इंडिया में। और इसके मार्केट शेयर की बात करें तो 1.2% का है। और पिछले महीने से कंपेयर करें तो 63% सेल कम हुई है निसान मोटर्स की। इस लिस्ट में 8th पोजीशन पर जगह बनाई है वॉक्सवैगन ने। इसके मई 2021 के सेल्स फिगर की बात की जाए तो 1,425 गाड़ियां ही सेल हुई हैं ऑल ओवर इंडिया में। और इसके मार्केट शेयर की बात करें तो 1.4% का है। जब पिछले महीने से इसकी सेल्स को कंपेयर करें तो ओनली 7% सेल कम हुई है वॉक्सवैगन की। इस कंपनी को लॉकडाउन से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद सिर्फ 25 गाड़ियों का अंतर ही आया है। हमारी इस लिस्ट में 7th पोजीशन पर जगह बनाई है होंडा मोटर्स ने। इसके मई 2021 के सेल्स फिगर की बात की जाए तो 2,032 गाड़ियां ही सेल हुई हैं ऑल ओवर इंडिया में। और इसके मार्केट शेयर की बात करें तो 2.0% का है। वे पिछले महीने से सेल्स को कंपेयर करें तो 78% सेल कम हो गई है होंडा मोटर्स की। इस लिस्ट में 6th पोजीशन पर जगह बनाई है रेनॉल्ट ने। इसने अपनी काइगर को कुछ दिन पहले ही मार्केट में लॉन्च किया था। इसके मई 2021 के सेल्स फिगर की बात की जाए तो 2,620 गाड़ियां ही सेल हुई हैं ऑल ओवर इंडिया में।
और इसके मार्केट शेयर की बात करें तो 2.5% का है एवं पिछले महीने से सेल्स को कंपेयर करें तो 70% सेल कम हो गई है रेनॉल्ट की। आज की हमारी लिस्ट में फिफ्थ पोजीशन पर जगह बनाई है भारतीय कंपनी महिंद्रा ने। इसकी स्कॉर्पियो की नेक्स्ट जनरेशन बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाली है। इसके मई 2021 के सेल्स फिगर की बात करें तो 8004 गाड़ियां ही सेल हुई हैं ऑल ओवर इंडिया में और इसके मार्केट शेयर की बात करें तो 7.8% का है और पिछले महीने से कंपेयर करें तो 56% सेल कम हो गई है महिंद्रा मोटर्स की। हमारी लिस्ट में फोर्थ पोजीशन पर जगह बनाई है कोरियन कंपनी किया मोटर्स ने। इसने अपनी सेल्टोस का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च किया है और इसके मई 2021 के सेल्स फिगर की बात की जाए तो 11,050 गाड़ियां ही सेल हुई हैं ऑल ओवर इंडिया में और इसके मार्केट शेयर की बात करें तो 10.7% का है और इसकी सेल्स को पिछले महीने से कंपेयर करें तो 31% सेल कम हुई है किया मोटर्स की। आज की हमारी लिस्ट में थर्ड पोजीशन पर जगह बनाई है इंडियन ब्रांड टाटा मोटर्स ने। मुझे इसे थर्ड पोजीशन पर देखकर काफी खुशी होती है क्योंकि इसने अपने आप में इतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट किया है जो कि काबिले तारीफ है। इसके मई 2021 के सेल्स फिगर की बात करें तो 15,180 गाड़ियां सेल हुई हैं ऑल ओवर इंडिया में और इसके मार्केट शेयर की बात करें तो 14.7% का है और इसकी सेल्स को पिछले महीने से कंपेयर करें तो 40% सेल कम हुई है टाटा मोटर्स की। हमारी इस लिस्ट में सेकंड पोजीशन पर हमेशा की तरह आई है हुंडई मोटर। इसके मई 2021 के सेल्स फिगर की बात करें तो 25,001 गाड़ियां सेल हुई हैं ऑल ओवर इंडिया में और इसके मार्केट शेयर की बात करें तो 24.2% का है और पिछले महीने से इसकी सेल्स को कंपेयर करें तो 49% सेल कम हो गई है हुंडई मोटर्स की। आज की हमारी लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पर हमेशा की तरह ही आई है मारुति सुजुकी, जिसे कि लॉकडाउन ले डूबा है। इसका सेल्स फिगर नॉर्मल डेज में 1,00,000 से ऊपर रहा करता था लेकिन अब इसकी सिर्फ 32,903 गाड़ियां ही सेल हुई हैं ऑल ओवर इंडिया में और यही नहीं 50% से भी अधिक का मार्केट शेयर रखने वाली कंपनी इस बार 31.9% पर आकर रुक गई है। ये सब लॉकडाउन के कारण ही है और इसके सेल्स फिगर को पिछले महीने से कंपेयर करें तो 76% सेल कम हो गई है मारुति सुजुकी की। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसी ही नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।